फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब के विषय में बता रहा था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने ये बताया था ऑब्जेक्ट किन किन रूपों में आता है और किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब को बनाता है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक वर्ब एक वाक्य में ट्रांजिटिव हो सकता है और वही वर्ब दूसरे वाक्य में इंट्रांसिटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रांसिटिव अंतर हम बता रहे हैं, इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव। देखें आप, द बेल बेल रिंग्स। अब यहां देखें, बेल रिंग्स इन ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव द प्यून रिंग्स द बेल। यहां देखें, रिंग्स जो है द प्यून रिंग्स द बेल, अब यहां ट्रांसिटिव बन गया है और यहां रिंग्स जो था इन ट्रांसिटिव। द डोर ओपन, द डोर ओपन, और इसी में आप देखेंगे दे ओपन द डोर, दे ओपन द डोर। देखें दोनों में अंतर, यहां ओपन्स एज इंट्रांसिटिव वर्ब बट हियर ओपन एज ट्रांसिटिव वर्ब। एग्जाम्पल और देख ले, द स्टोरी इंडेड देयर, द स्टोरी इंडेड देयर। अब यहां देखें, इंडेड क्या है, इंट्रांसिटिव, ही इंडेड द स्टोरी देयर, ही इंडेड द स्टोरी देयर। इसमें देखें, इंडेड यूज्ड एज ट्रांसिटिव, क्यों, क्योंकि स्टोरी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसलिए यह क्रिया ऑब्जेक्ट के साथ है इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इंट्रांसिटिव है। नेक्स्ट जो वर्ब काइंड्स है उसके अंतर्गत हम चल रहे हैं वर्ब के प्रकार। पहला हमने बताया था, जो वो बताया था नॉन फाइनाइट, सेकंड हमने बताया था आपको फाइनाइट। फाइनाइट में चार प्रकार हमने बताया, चार प्रकार में हमने बताया आपको इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव। अगला है लिंकिंग वर्ब, क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये थर्ड नंबर है लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब हम पिछले लेक्चर में भी इसका कुछ उदाहरण बताए थे, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ऐसे बताया था कि लिंक मींस होता है जोड़ना, अर्थात जोड़ने वाली क्रिया जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है वह लिंकिंग वर्ब होती है। इसके अंतर्गत, लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत बी, बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये लिंकिंग वर्ब में है। क्यों, क्योंकि ये इज एम आर वाज वर यह वाक्य में प्रयुक्त होकर के कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ देती है और पूर्ण अर्थ प्रदान करती है। और एक इसके अंतर्गत है अदर देन बी, अदर देन बी के अंतर्गत सीम, लुक, appear,
टेस्ट, चूज, अपॉइंट, मेक एक्सेट्रा, ये अदर देन बी के अंतर्गत आते हैं। तात्पर्य यह है कि सीम, लुक, अपीयर, टेस्ट, चूज, अपॉइंट, मेक, ये ऐसी क्रियाएं हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ती हैं। द नाउन फंक्शनल रिलेशन के अंतर्गत जब मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा रिमाइंड करा दें आपको, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अर्थात तात्पर्य यह है जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या करता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। उसमें मैंने डिटेल दिया था, एक उदाहरण इसमें भी देख ले, आई एम अ टीचर। अब यहां देखिए आई और टीचर, टीचर कॉम्प्लीमेंट है, आई लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि आई सब्जेक्ट और ए टीचर कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कार्य कर रहा है, और ये टीचर जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो एम है ये लिंक का कार्य कर रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब है। यहां एक चीज और समझ लें, अति सरल रूप में मैं आपको बता रहा हूं, इज एम आर है, हूं, हो का अर्थ देता है, और ये पूर्ण क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। सच एज वाज वर भी इसी तरह से है, जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था, यहां था का अर्थ जो है वाज से निकल रहा है, इसलिए वह पूर्ण क्रिया का कार्य कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ रहा है। इसी तरह अदर देन बी का भी प्रयोग इसी तरह से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू लुक सैड, यू लुक सैड, तुम दुखी दिखाई देते हो। अब यहां देखें यू सब्जेक्ट है, सैड कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, और लुक जो है यह सैड और यू को जोड़ रहा है, इसलिए यह लिंकिंग वर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, ही मेड हिम दी कैप्टेन ऑफ दी टीम। देखें आप, ही मेड हिम, उसने उसको बनाया द कैप्टेन ऑफ द टीम, टीम का कप्तान बनाया। इसका मतलब यहां कैप्टेन यह हिम की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, और मेड जो है ये लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है, इसलिए ऑब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है कैप्टन, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस वाक्य में प्रयोग हुआ है, और मेड यहां लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जो ट्रांसटिव वर्ब के अंतर्गत अंतिम प्रकार है, लास्ट पॉइंट है, टाइप है, वो है आपका हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी, इसको ऑक्सिलरी भी कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, इट मींस सहायक क्रिया, दोनों का मतलब वही होता है, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर मुख्य क्रिया की सहायता करती है वह सहायक क्रिया होती है।
फिर से सुने, जो वाक्य में कहने का तात्पर्य कुछ क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के साथ टेंस में बनाने के लिए सहायता करती हैं वह सहायक क्रिया कहलाती है। टेंस में जो मुख्य क्रिया के साथ आती है वह सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है, दी ऑक्सिलरी टाइप्स टू काइंड्स। फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकंड है इसका ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी फर्स्ट है, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत मुख्यतः तीन क्रियाएं आती हैं, बी हैव डू, ये तीन क्रिया है। बी हैव डू, बी के अंतर्गत इज एम आर वाज वर और हैव के अंतर्गत आता है हैव, ये तीन है। और डू के अंतर्गत आता है डू डस डिड। अब यहां एक शंका आपको हो सकती है और शंका होना बिल्कुल वाजिब है। यहां हमने आपको बताया बी क्रिया इज एम आर वाज वर एज ऑक्सिलरीज, और ऊपर अभी मैंने पिछले लेक्चर में ऊपर मतलब पिछले लेक्चर में मैं बता रहा था बी एज ए लिंकिंग वर्ब। दोनों का अंतर थोड़े समय में आप समझे, उसमें पूर्ण क्रिया के रूप में आती है, तात्पर्य यह है वो अकेले क्रिया वाक्य में प्रयुक्त होती है, कॉम्प्लीमेंट से सब्जेक्ट को जोड़ती है। लेकिन इसमें अभी हमने बताया टेंस में प्रयोग होती है, और टेंस में प्रयोग होने का मतलब ये सहायक क्रिया माने मुख्य क्रिया की सहायता करती है। इज एम आर वाज वर जब यह मुख्य क्रिया के साथ आएगी तब यह सहायक क्रिया हो जाएगी, जब अकेले आएगी तो यह लिंकिंग वर्ब होगा। अब इज एम आर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है आईएनजी फॉर्म के साथ, वाज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है आईएनजी फॉर्म के साथ, हैव हैज ये प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, क्रिया के थर्ड फॉर्म साथ प्रयुक्त होती है, हैड पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है जो क्रिया के थर्ड फॉर्म साथ प्रयुक्त होती है, डू डज प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयुक्त होता है, और डिड पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयुक्त होता है प्रयोग होती है, लेकिन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म साथ ये दोनों डू डज ये भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, डिड ये भी पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयुक्त होती है। और ये पिछला लेक्चर न देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, और इनका डिटेल मैं टेंस में दूंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन कैसे इनका प्रयोग होता है अच्छे ढंग से इन गुड मेथड। आई शैल गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज ऑक्सिलरीज। नेक्स्ट है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मॉडल ऑक्सिलरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक्स।